नमस्कार, मैं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, बुलेटिन में, अपडेट में, जिससे पूरी जानकारी कर्नाटक की हम आपको दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में सीएम येदियुरप्पा ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि जनादेश के खिलाफ कांग्रेस जेडीएस एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विफल रही है और हमें जनता ने चुना है। विधानसभा में भाषण देते हुए येदियुरप्पा भावुक भी हो गए। कर्नाटक विधानसभा में फिलहाल क्या चल रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विश्वास मत पेश किया है बीएस येदियुरप्पा ने, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರದ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ, ಕನ್ನಡ ಆಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಿಜ. ನಾನು ಕೆಲವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು ನಿಜ, ಕೆಲವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಯಭೀತರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕರ ಕರ್ಮಕಂಡ ಕರ್ಮ ಕಥೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, कोई नहीं सुनेगा आपकी हमारी। तो यहाँ पे येदियुरप्पा का भाषण हम सुन रहे थे, विश्वास मत पेश किया है सरकार ने, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अपनी बात रख रहे हैं। थोड़ी समस्या हमें हो रही है भाषा को लेके, लेकिन अंदाज और बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। बाकी हमारे सहयोगी लगातार जो अनुवाद हो रहा है वो ब्रेकिंग की शक्ल में आपके सामने चीजों को रख रहे हैं। येदियुरप्पा की सरकार रहेगी जाएगी, फिलहाल अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर येदियुरप्पा खुद को सफल होते हुए नहीं देख रहे हैं, ये देखिए बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। येदियुरप्पा ने इस्तीफे के संकेत दिए हैं, विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश हो गया है। येदियुरप्पा ने प्रस्ताव पेश किया है और इस्तीफे के संकेत मिलने लगे हैं। जोड़ तोड़ की कवायद काफी देर तक चलती रही, अलग अलग
दावे किए जाते रहे दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि यहां पे दो पक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। येदियुरप्पा ने इस्तीफे के संकेत दिए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विफल रही और येदियुरप्पा जो कुछ बोल रहे थे उसमें येदियुरप्पा ने इस्तीफे के संकेत दिए हैं, कैसे वो भी हम आपको समझाते हैं। येदियुरप्पा जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो सीटें चाहिए थी वो होती तो ऐसा हम कर पाते। इसका मतलब क्या होता है, इसका सहज अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, यानी कि यहां पे एक तरीके से भावनात्मक कार्ड भी खेला जा रहा है। कई संभावनाएं थी जिस पर विचार लगातार एक्सपोर्ट कर रहे थे जो पॉलिटिक्स को जानते हैं। कईयों ने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, कईयों ने कहा था कि वो सदन में जाएंगे। विश्वास मत, मैं फिर जीत कराऊंगा, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा एक तरीके से इस्तीफे की बात जो हम आपको कह रहे थे वो सामने आ गई है। जनता के लिए जान दे सकता हूं, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है भावनात्मक कार्ड के साथ, और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 को साधने की तैयारी कर ली है। मैं फिर जीत कर आऊंगा, 113 सीटें होती तो बहुत कुछ करता। किसानों के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा था उसका जिक्र बीएस येदियुरप्पा ने आज कर्नाटक विधानसभा में किया है, और इस तरीके से जो उहापोह का दौर था उसमें बहुत कुछ साफ हो गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हुए येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब नंबर गेम में वो पिछड़ गए हैं, यानी कि उनको जादुई आंकड़ा नहीं मिला है, वो बहुमत साबित नहीं कर सके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा में अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया और यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अक्षमता दर्शा दी है कि वो आंकड़ा नहीं जुटा सकेंगे जिसकी जरूरत उनको है सरकार चलाने के लिए, यानी कि वो बहुमत से पीछे रह गए। बार बार वो जिक्र करते रहे कि हमें सबसे बड़ी पार्टी होने का मौका मिला, यानी कि राज्य की जनता ने हमें समर्थन दिया, वो हमारी सरकार चाहती थी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति के आगे हम फेल हो गए। गठबंधन बना, वो हमसे आगे निकला, मैं बहुत कुछ करना चाहता था राज्य के लिए, जनता के लिए, मैं जान दे सकता हूं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिर गई है, कई सारी बातें यहां से अब सामने आ रही हैं। इन परिस्थितियों में क्या हो सकता है, क्या कर्नाटक की जनता को राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावे कर रहे हैं उसके मुताबिक वो सरकार बना लेंगे, या यहां पे भावनात्मक कार्ड खेल के, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे बीएस येदियुरप्पा, सदन में गए थे, भावनात्मक बातें उन्होंने कही थी और उसके बाद एक बार लौटे थे बहुत मजबूत होके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली थी, मजबूती के साथ चली थी, उस वक्त भी भावनात्मक कार्ड खेला गया था। इस बार भी वो पहुंचे हैं इन बातों के साथ कि मैं राज्य की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, किसानों की कर्ज माफी करता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गठबंधन बना और गठबंधन के आगे हमारा जो आंकड़ा है वो पीछे रह गया, और हम जो भलाई राज्य की जनता के लिए चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। पल पल की गतिविधि हम आपके सामने रख रहे हैं, रखते रहेंगे। एके मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। गोविंद ठाकुर मेरे सहयोगी एडिटर नेशनल अफेयर, आपका बहुत स्वागत है। एके मिश्रा जी, तमाम अटकलें संभावनाएं सब कुछ अब सामने आ गई है। नहीं देखिए मासूम जी, मैं आपको बताऊं, भाई गति साफ छे सुंदर केरी, अगर कोर्ट का इंटरवेनेशन नहीं हुआ होता, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेटजिक मूव जो मूवमेंट हुई है कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा, जो ये कोर्ट में चले गए, अगर कोर्ट का इंटरवेनेशन नहीं हुआ होता तो मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी वाले जो थे
वो कहीं ना कहीं करके ये अपनी सरकार बना लेते हैं। 15 दिन का टाइम बहुत सफिशियंट होता है। दूसरी चीज ये है कि ये मैटर इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था और इसके जो आप ये देखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया जो शुरू होती है बिहार में भी शुरू हो गया, गोवा में भी शुरू हो गया डिमांड उसी लॉजिक के बेस पे, तो इन्होंने बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि अब इसको और ज्यादा लंबा खींचना जो है जरूरी नहीं है। इस वक्त ठीक है हम इस्तीफा दे देते हैं, 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद जो बिहार में किया उस चीज के चांसेस हैं, आगे के लिए ये सोच सकते हैं कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे वाकई में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ना बीजेपी या जेडीएस कांग्रेस की किसी की हार जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट को मैं इसमें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का जो विश्वास है अभी भी इस चीज पे एक बार फिर मजबूत हुआ है कि वाकई में भारत में जो न्याय प्रणाली है वो अभी भी निष्पक्ष है और रात को 12 बजे भी न्याय के लिए दरवाजे यहाँ पे खुले रहते हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा रही है। राजनीति से हट करके अगर इसको जरा देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी परंपरा रही है न्याय के लिए, किसी को भी न्याय अगर चाहिए तो रात को 12 बजे भी यहाँ पे दरवाजे खुले रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी परंपरा रखी गई। बहुत सारी बातें साफ हो गई थी जब कांग्रेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, तभी हमने अनुमान लगाया था, इस संभावना पे चर्चा की थी कि कांग्रेस ने अब की बारी जो कदम उठाया है ना, पिछले कुछ राज्यों को छोड़ दें तो रणनीतिक रूप से बिल्कुल बहुत जुझारूपने का परिचय दिया है। और एक बात, किसी की हार जीत नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसको सोचने की जरूरत है, बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। तमाम सारी बातें जैसे नहीं, आप बता इसमें थिंक टैंक को सोचने की ये चीज है कि जो ये टोटली मतलब जिसको आप ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स की जो दादागिरी होती है ना कि हम कम हो या ज्यादा हो बिना सोचे समझे जी सरकार हम ही बनाएंगे, न्याय कानून सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इस प्रवृत्ति पे थोड़ी सी रोक लगी है। मिश्रा जी, हारे जी की राजनीति फिलहाल चल रही है उस पर चर्चा बेमानी हो गई है। इन दिनों बात सिर्फ ये हो रही है कि जो जीत गया जो सरकार बना गया वही सिकंदर है, लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया को झेलना पड़ा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को, उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ होने वाला है। वही है येन केन प्रकारण वाला जो एक टर्म मैंने उस दिन यूज किया था कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि येन केन प्रकारण कि कैसे भी करके हम सरकार बनाएं, इसमें कहीं ना कहीं जाकर के रोक लगनी चाहिए थी। और पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि मैं बोल सकता हूं कि उनके अंदर शायद इथिक्स बचा नहीं, अब देखिए अब वो इथिक्स नहीं रहा जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में बोल दिया था कि जो है मैं किसी भी तरीके से अपने इथिकल अप्रोच अपने विश्वासों के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा, सरकार गिर जाए तो गिर जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जस्ट एक पीढ़ी पहले आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री का ये विश्वास था और आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके इथिक्स में कितना चेंज आ गया है कि ये न केन प्रकारण हर जगह हम ही बने। इथिक्स बैकफुट पे है, अब क्या होगा सदन के अंदर उस पर हम बातचीत करेंगे। मैं आता हूं आपकी तरफ गोविंद जी, अब किन प्रक्रियाओं का सामना करना होगा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जेडीएस और जो दो अन्य जीत कर आए हैं उनको, अब क्या होगा कर्नाटक में, कर्नाटक विधानसभा में? देखिए साफ है कि मनीष इसमें अब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा पेश करेंगे और राज्यपाल के पास, राज्यपाल की तरफ से ये चिट्ठी इनको मिलेगी और ये जाकर कल या परसों कभी भी ये सरकार बनाएंगे, फिर इनको जेडीएस और कांग्रेस को बहुमत साबित करना, जो प्रक्रिया आज आप देख रहे हैं यही प्रक्रिया उनको आगे गुजरना पड़ेगा। और ये विपक्ष में जो अभी सरकार में थे वो विपक्ष में होंगे और वो सरकार में होंगे, तो इस तरह की प्रक्रिया आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर में ये हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे मिश्रा जी ने भी ये बात कही कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही है वो काफी अधिक और बहुत ही बढ़िया रही है, जिस कारण से लोकतंत्र की एक बचाव के तौर पर देख सकते हैं बचा हुआ है, क्योंकि जो पिछले जो 2-3-4 जो विधानसभा के चुनाव हुए एन केन प्रकरण की जो बात कही जा रही है ये देखा गया था, लेकिन अब जो आगे भविष्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें इस बात को ख्याल रखा जाएगा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्यपालों की भूमिका को लेकर हम 10 सप्ताह बाद इसकी सुनवाई करेंगे। मतलब यह है कि राज्यपाल जरूर है कि किसी न किसी पार्टी के रूप में पार्टी की तरफ से या जिस पार्टी से संबंधित होता है उसके तरफ से उनका फेवर होता है और इसके कारण से लोकतंत्र की हत्या होती रहती है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन करना पड़ता है, नहीं तो रात भर जग के आज भी रात में भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो छुट्टी के दिन है गर्मी छुट्टी हो चुकी है फिर भी उनको इसमें इंटरवेन करना पड़ा, तो इस तरह के एक माइल्ड स्टोन साबित होगा और इसमें होना ही चाहिए क्योंकि पहले से भी राज्यपालों की भूमिका को लेकर बातचीत होती रही है, आवाज उठते रहे हैं कि अब राज्यपालों को राज्य में रहने क्या उचित रह गया है,
जब सिर्फ सेंट्रल जो चाहे वही बात होती है, तो ऐसे में विपक्ष पार्टी जो आज विपक्ष में है कल सत्ता में हो, लेकिन एक भूमिका जरूर तय होनी जानी चाहिए। लेकिन देखिए ये जो बात दूसरी तरफ ये है कि आप अपनी अपने देखा कि येदियुरप्पा जी ने की भाषण जो आपने देखा एक सेंटीमेंटल भाषण है और ये 2019 की तैयारी है। 2007 में जब मनीष आपने भी कहा था कि 2007 में 7 दिन के लिए जब आए थे तो इसी तरह से सेंटीमेंटल भाषण दिया था उन्होंने, अब बाद में आकर बड़े बहुमत से लौट के आए थे और ये मुख्यमंत्री भी बने थे। यही सेंटीमेंटल भाषण है कि 2019 की जो चुनाव है उसमें इनको बहुमत मिले और इसके साथ जो लोकसभा के चुनाव है उसमें इसको फायदा उठाया जाए, इस तरह की भावनात्मक उन्होंने दिया है। तो ये कह सकते हैं ठीक है, राजनीतिक तौर पे तो अच्छी बात है, सत्ता के लिए ये राजनीति करते हैं, लेकिन संविधान की भी रक्षा होनी चाहिए। जैसे कि मिश्रा जी ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी तरह से सेंटीमेंटल भाषण देकर वो गए थे फिर लौट के आए थे, लेकिन उसमें एथिक्स थी। और लेकिन 2014 के बाद से जो चुनाव हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी ही, जिसको जहां मौका मिला है वो सिर्फ एन केन प्रकार ही सरकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि आगे नहीं होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए काम होना चाहिए। देखिए सेंटिमेंटल भाषण, आगे की राजनीति पे हमें बात करनी है, नैतिकता की बात करेंगे तो राजनीति में आज के दिनों में अगर नैतिकता को लेकर बैठते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हमारे से छूट जाएंगे, क्योंकि नैतिकता बहुत नेपथ्य में जा चुकी है। सवाल यह है कि अब जो टाइम मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसने इसे मैनेज कैसे किया? सब कुछ अप्रत्याशित था भारतीय जनता पार्टी के लिए, कल अचानक से कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आपको इतनी देर के बाद बहुमत साबित करना है, वो नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जाते जाते भी कुछ लाभ ले लिया जाए और उसी की स्क्रिप्ट रची गई, वही येदियुरप्पा ने विधानसभा के पटल पर रखा। मिश्रा जी, नहीं देखिए मासूम जी मैं बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खास कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखें इनके हर स्ट्रेटजी में एक एलिमेंट होता है बड़ा प्रोमिनेंट, वो सरप्राइज है या स्टांस का, कि ऑल ऑफ सडन, इसको ब्लिटक्रीज भी बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये एक स्ट्रेटजी यूज होती थी कि ऑल ऑफ सडन आप ऐसी चीजें कर दीजिए कि दुश्मन को या राइवल को समझने का मौका ना मिले और एक्ट करने का मौका ना मिले, और इसी कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती गई। अब की बार मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एलिमेंट ऐसे अच्छे तरीके से यूज किया कि भाजपा की जितनी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, इनको टाइम भी नहीं मिला, और जो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए जितने विधायक है, इन कैमरा जो है सारी चीजें होनी चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसमें जो बीजेपी की स्वच्छंदता है या किसी और पार्टी की जो स्वच्छंदता है वो खत्म हो गई, और उन्होंने अपने हाथ पैर जो है घसीट लिए, जो लगातार वो पसार रहे थे वो बढ़ा रहे थे। मेरे ख्याल से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं आता और राजनीतिक तरीके से चलता तो मुझे लगता है कि ये वही जो लूटतंत्र टाइप का भी आती, अड़चन तब भी आती। एक बात मिश्रा जी के पास मैं जोड़ दूं कि चाणक्य की जो चाणक्य नीति वगैरह कहा जाता था कि अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य है, किसी न तरह से वो सरकार बना ही लेंगे, हम लोग भी विश्वास कर रहे थे, अरे बीजेपी है कुछ नहीं, ये उस वक्त भी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद की प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कारण वो चर्चा धरे के धरे रह गए, सारे गवाह हैं उस चर्चा के। नहीं, हम लोगों ने ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट आने के बाद दर्शकों ने भी देखा कि कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ वो सारी बातें, सारी संभावनाओं पे इस पैनल ने चर्चा किया था, एक एक बिंदु को समझाया गया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है अगर वो विपक्षी खेमे के विधायकों का नाम लेकर जाते हैं तो भी। बहुत तरफ से घिरी हुई थी पार्टी। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, इस पूरी खबर पे और अपडेट के साथ। अब बीजेपी का प्लान क्या है, मनीष शुक्ला, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि येदियुरप्पा ने काफी भावुक अपना भाषण दिया और उसके बाद कहा कि वो फिर चुन के आएंगे और इस्तीफा, अब राजभवन पहुंच चुके हैं, वहां राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी खेमा है उसमें एक शोक की लहर है, गम है। पहले सोचा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो शक्ति परीक्षण होगा उसके लिए जो जादुई आंकड़ा है वो जुटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो कह सकते हैं कि यही वजह रही है कि येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया और कहा फिर कि अब आगे एक बार फिर चुन के आएंगे, तो कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि इसके संकेत पहले ही मिल गए थे, उसी दिन मिल गए थे जब येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उस समारोह में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि दोनों ही जो खास करके बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और हर राज्य में उनको पेश किया जाता है वोटों के लिए, तो इस बार देखा गया ना ही
नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह इस प्रोग्राम में शामिल नहीं रहे, बल्कि अपने केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजा। और लगातार बीजेपी ने आखिरी समय तक ये कोशिश की कि जो जादुई आंकड़ा है उसको किसी ना किसी तरह जुटा लिया जाए, लेकिन जिस तरह देखा सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसने सारी चीजें की और जो एक सुपरविजन रहा सुप्रीम कोर्ट का, कह सकते हैं कि जो जादुई आंकड़ा जो बीजेपी नहीं जुटा पाई और लास्ट में येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा देना पड़ा फ्लोर टेस्ट के पहले ही। जी, शोक की लहर अंदर होगी लेकिन शोक को बाहर से दिखाया नहीं जाएगा। अगर ऐसा करना होता तो फिर इतना लंबा चौड़ा जो पूरा ब्यौरा पढ़ा गया है पूर्व मुख्यमंत्री अब कहलाएंगे थोड़ी देर में उनकी तरफ से नहीं पढ़ा जाता, बीएससी येदियुरप्पा की तरफ से। इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि राजनीति में कब कहां से फायदा मिल जाए इसका भी आकलन कोई नहीं कर सकता है। गोविंद ठाकुर जी, मनीष, मुझे यहां लगता है कि यहां से बीजेपी की राजनीति की एक टर्निंग प्वाइंट है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सभी जगह विजय मिलती जा रही थी, सरकार बनते जा रहे थे और उनके मोरल बहुत हाई, लेकिन अब कर्नाटक में चुनाव के जीतने के बाद यानी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद सरकार उन्होंने बना ली, इसके बाद बहुमत साबित नहीं हो पाया, वो 104 से 105 नहीं कर पाए। अब तो हम यही कहेंगे क्योंकि वो 105 106 7 8 गिनती हम गिनाते जा रहे थे कि बहुमत हो जाएगा, लेकिन अब तो इस्तीफा हो जाने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि 105 नहीं हो पाया और उससे ऊपर नहीं होता, जिस कारण से उनकी हार हुई है और इस्तीफा दिया है। अब यहां से टर्निंग प्वाइंट ये है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो सरकार हैं, नेता हैं, पार्टी है, सबके मोरल डाउन होंगे और इससे विपक्षी पार्टियों में एक नई लहर, नई ऊर्जा, क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस की जो नीति रही है कि 78 सीट होने के बावजूद भी वो समझ लिया कि हमें सरकार नहीं बना सकते, अगर जेडीएस को हम समर्थन दे दें तो उनके जो विधायक है वो एकजुट रहेंगे और हम उसको बाहर से समर्थन दें या भीतर समर्थन दें, हालांकि उन्होंने सरकार में रहने की बात कही, तो ऐसे में अब एक जो विरोधी गुट है अब मजबूत होकर उभर रहा है और इसका इम्पैक्ट अब दिल्ली पर भी आपको दिखाई पड़ेगा और साउथ की जो राजनीति है उस पर भी दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक टर्निंग प्वाइंट है भारतीय राजनीति के लिए और खासकर बीजेपी के लिए। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस बहुत ज्यादा स्मार्ट रही, जिस तरीके से कार्ड खेले गए और जिस तरीके से वोटिंग के तुरंत बाद दो आला नेता वहां रवाना कर दिए गए थे और उनकी नजर थी पल पल की गतिविधि पे, प्लानिंग होती रही, उसका असर अब दिख रहा है। मिश्रा जी, नहीं देखिए मासूम जी, मैं आपको बताऊं, हालांकि गुजरात इलेक्शन जब हुआ था और गुजरात इनका गढ़ था, केवल 7-8 सीटों से इन्होंने मार्जिनल विक्ट्री ली थी। आप ही के चैनल पे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसका टाइटल भी मैंने यही रखा था, नो मोर क्लीन स्वीप्स बाय बीजेपी। फ्रॉम दैट डे, यानी गुजरात इलेक्शन के बाद ही मैंने डिक्लेयर किया था कि अब दिन पर दिन बीजेपी के लिए जो रास्ते हैं विजय के वो मुश्किल होते चले जाएंगे और उसी चीज में ये एक और अलग कड़ी है। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत स्ट्रेटजिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा फंडा है कि नेचुरल वियर एंड टीयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, दो साल ढाई साल में आपका जो कैरिज्मेटिक अट्रैक्शन होता है ना वो खुलना शुरू हो जाता है, ढीला होना शुरू हो जाता है आपका जो अट्रैक्शन होता है किसी पार्टी का, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप पूरा कर नहीं पाते हो, यही चीज यहां पे दिख रही है। और सत्य कैसे मान ले इसे, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे बड़ी पार्टी रखा है। गुलाम नबी आजाद को सुनते हैं, वो मीडिया से मुखातिब हैं। एंड जेडीएस एंड इंडिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग वन बीएसपी कैंडिडेट हु रेजिस्टेड टू ऑल सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशंस एंड आर्म ट्विस्टिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, central government agencies and stood by the party principles and decision taken by the party leadership of both Congress party and JDS. Some of our legislatures were kidnapped, they were under the illegal custody of the Bharatiya Janata Party, but as and when they got an opportunity to reach the assembly,
कर्नाटक की जो तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है उसमें पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने भी अगर सबसे बढ़िया तरीके से प्लानिंग करने वाले कुछ लोग हैं उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम बहुत पहले आता है। हम बने रहेंगे चर्चा में, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।